द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं बुलबुल। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार दिया है और उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाले पैसे को लेकर पार्टी डोनेशन करने वाली पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से गुप्त डोनेशन है जिसे आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता था, लिहाजा इस पर रोक लगा दी जाए क्योंकि ये सूचना के अधिकार के खिलाफ है। आज जो जजमेंट आया डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे, एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। आज आप सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया जिससे आपको एक खुशी मिली होगी, आपको क्या करना है इसको लेकर, ये आप क्या होने वाला आगे? आगे जो जजमेंट आया है इसके जो रिपिकशन से काफी लार्ज लेवल पे जाएंगे। जो जिस तरीके की वर्डिक्ट आई, जिस तरीके का डिस्क्लोजर के लिए डायरेक्शन दिया है एसबीआई को, खासतौर से 2019 और 2024 के बीच में जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से परचेजिंग हुई है उस परचेजिंग को इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज करने के लिए डायरेक्शन दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे विद इन अ वीक आप पब्लिश करेंगे। अब इंग्लिश में, टुडे सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इलेक्टोरल स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? इज अ वेरी हिस्टोरिकल वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन वोटर्स, एंड दे सेट असाइड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिकॉज दे आर वायलेटेड द फंडामेंटल राइट टू नो। People have a fundamental right to know who is voting the political party. But this scheme is completely. I am saying this scheme is completely secret and without proper information and without disclosing the name and without any disclosures, in this scheme company are funded the political party. So on the basis of funding they are also taking the kickback because everyone knows something you are giving and they are, on the basis of they are taking something. जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस जे बी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र हैं। और तब से अब तक हम लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का विरोध करते आए हैं। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस स्टैंड पर एक तरह से मोहर लगा दी है। ये गैर पारदर्शी इसलिए है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया इसकी जानकारी वोटर को नहीं मिलती। उस कंपनी को इस एवज में सरकार ने या सत्तारूढ़ दल ने क्या सुविधाएं दी, क्या ठेके दिए, क्या टेंडर दिए, इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और यह भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम ये मांग करते हैं कि एसबीआई तुरंत ये सारी जानकारी सार्वजनिक पटल पर रखे, उसको पब्लिक करे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। हमें एक भय और है, हमारा भय यह है कि शायद यह सरकार ऑर्डिनेंस के रास्ते पे जाकर इस सुप्रीम कोर्ट के स्वागत योग्य फैसले के विरुद्ध कोई काम न करे। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसान अभी भी हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार ने किसानों की 13 में से 10 मांगे मान ली थी, लेकिन इसके बावजूद किसान आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ किसानों का आरोप है कि सरकार कमेटी बनाने की बात कह रही है। किसानों के मुताबिक पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तब भी सरकार ने
उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन दो साल में कमेटी ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। किसान ये भी कह रहे हैं कि उनके आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि वो केवल किसानों के हितों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों पर सख्ती कर रही है, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से शंभू बॉर्डर पर बैठकर ही आंदोलन करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बैठक में बैठते ही किसान अपनी मांगों को बढ़ाने लगते हैं, जिन्हें तुरंत पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। वहीं शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे रही। इस बीच ये खबर भी सामने आई है कि आंदोलन से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जा सकती है। दूसरी ओर किसान रास्ते की रुकावटों को हटाने के लिए जेसीबी तक लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। सरकार की ओर से किसानों से अब अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल के अलावा नित्यानंद राय भी बात कर सकते हैं। देश और विदेश में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आज से शुरू हो गए। सीबीएसई के 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेंगे, जबकि 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगे। ऋषा कैसे पहुंचे यहां पे आज? आज एग्जाम है हमारा पेंटिंग का। कौन सी क्लास का? 10th। तो कितने सीबीएसई का एग्जाम है? हाँ। तो एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, तो कितना एक्साइटमेंट है एग्जाम को लेकर? एक्साइटमेंट भी है पर थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है। और तैयारी पूरी बिल्कुल? हाँ, तैयारी तो है। किस चीज का एग्जाम है? पेंटिंग का। तो कम ही बच्चों का एग्जाम है आज? हाँ, सिर्फ 8 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? सुहानी सैनी। सुहानी कौन सी क्लास में है? 10th। 10th में। तो किस चीज का एग्जाम है आपका? पेंटिंग। पेंटिंग का एग्जाम है। तो कितनी प्रिपरेशन है, पूरी तैयारी है? कंप्लीट प्रिपरेशन है, तैयारी भी अच्छी है बट नर्वसनेस ज्यादा है। तो एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए हैं सुबह? यस सर। तो पूरी पूरी एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है? यस सर। राधिका कैसे आज पहुंचे हैं यहाँ पर? एग्जाम सर, सीबीएसई पेंटिंग। सीबीएसई का? yes, कौन सी क्लास का? 10th। तो कितनी तैयारी है पूरे एग्जाम को लेके और कितना एक्साइटमेंट है एग्जाम को लेके? नर्वसनेस ज्यादा है। नर्वसनेस ज्यादा, तैयारी पूरी है। तो अभी सुबह पहुंच गए सेंटर्स पे? हाँ जी। सीबीएसई परीक्षा में बैठने वाले न केवल भारतीय छात्र हैं बल्कि 26 अन्य देशों के छात्र भी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठेंगे। एग्जाम का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। ज्यादातर तो एग्जाम 1:30 बजे ही खत्म होंगे, लेकिन कुछ पेपर ऐसे भी हैं जो 12:30 बजे तक खत्म हो जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि छात्र छात्राएं अपने एग्जाम सेंटर पर पेपर शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले पहुंचे। अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लाना ना भूलें। अपने साथ अपनी स्टेशनरी लेकर आएं। एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और कैलकुलेटर ले जाने की मनाही है। क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी ना लिखें। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के छात्रों को घर से जल्द निकलने की सलाह दी गई है ताकि एग्जाम सेंटर पर वो टाइम पे पहुंच पाए। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड ने खास तौर पर छात्रों को संदेश दिया है कि एग्जाम के वक्त पेपर लीक की कई अफवाहें फैलती हैं, छात्र उस पर ध्यान ना दें। इसके अलावा सोशल मीडिया से पेपर लीक की अफवाह फैलाई जाती है, साथ ही दावा किया जाता है कि पेपर लीक हो गया है। इसके अलावा कई तरह के पेपर सोशल मीडिया पर कहकर डाले जाते हैं कि वो पेपर लीक हो चुका है और छात्र इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ लोग पेपर लीक कर छात्रों से पैसे भी वसूलते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को भावुक चिट्ठी लिखी है। दरअसल सोनिया गांधी ने बुधवार को जयपुर पहुंचकर राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल किया। ऐसे में रायबरेली संसदीय सीट छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। वर्ष 2019 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने अगला चुनाव ना लड़ने की घोषणा की। अब वे राज्यसभा के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी। ऐसे में उन्होंने पत्र लिखकर रायबरेली के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया है। पत्र लिखा है उन्होंने रायबरेली की जनता से भावुक अपील करते हुए परिवार को संभाल लेने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि मैं जो भी हूँ वे रायबरेली की जनता के कारण हूँ। मेरा भरोसा है कि आप हमारे परिवार को संभाल लेंगे। अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली इससे मेरा पुराना नाता रहा है, परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा चुनाव ना लड़ने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने अपनी उम्र का भी हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है, रायबरेली आकर मेरा परिवार पूरा होता है।
द श्रेष्ठ भारत शो में थी आज की ये बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।